मिनी वाटरफॉल कह सकते हैं इसे। ये साला सांप, सांप देखो भाई। ओ देखो ऑफ रोडर भाई, एक्सपल्स में पूरा ऑफ रोडिंग करते हुए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है और एक नए ब्लॉग में गाइस। तो आज देख सकते हैं इधर रील बन रहा है रक्षित, और इधर आशीष दोनों रील बना रहे हैं गाइस, और इधर अभिषेक ब्रो। आज गाइस रक्षित भी ब्लॉग कर रहा है बेचारा, आज खरीदा है गोप्रो, अभी तक माइक अडेप्टर नहीं लिया है गाइस, तो थोड़ा सा उसका माइक। और इधर इंस्टा 360 पे ब्लॉग करते हुए, और इधर हम लोग आज निकल पड़े हैं गाइस एक न्यू लोकेशन, जो और एक हम बनाए थे ब्लॉग जहाँ हुरिंगदाग हिलोला। तो गाइस अभी हम लोग फिर से वहीं जाएंगे और देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि उस दिन हम लोग पूरा नहीं घूम पाए थे, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा हम लोग कम जन थे। और आज गाइस देख सकते हैं कि कितना हम लोग भाई लौंडे लोग जा रहे हैं, और हम लोग का वो पहाड़ में जाने का डिसाइड हुआ था, लेकिन अब जा नहीं रहे गाइस, क्योंकि अब सबका मन नहीं है जाने का, और बहुत लोग जा चुका है और बहुत लोग नहीं भी गया है, हम तो गए नहीं है। अब वहीं चलने के लिए बोल रहे थे लेकिन पब्लिक लोग नहीं मान रहा है, तो अब हम लोग चल रहे हैं गाइस हुरिंगदाग हिल। तो आप लोग बने हुए रहिए एंड तक गाइस, आप वीडियो को पूरा देखिए और मज़ा करिए गाइस। और गाइस आज का मौसम देख लो, पूरा एकदम खाली खाली, मतलब खुला खुला आसमान है, बादल हल्का फुल्का है, और सूरज सामने साफ दिख रहा है। और यार हम लोग कहीं अगर हिल एरिया में जाते हैं ना, तो गाइस आज बहुत ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि क्या बोले यार, हमको तो लगा था कि पहाड़ में चढ़ेंगे वाला पहाड़ में, लेकिन जा ही नहीं रहा है, वहाँ से मस्त व्यू दिखता है, और बहुत जाने का मन भी था हमको वहाँ। और उधर पूरा लॉर्ड ग्लैमर पूरा भगा रहा है गाइस। छह गियर तो लगा दिए हैं इसलिए नहीं भाग रहा। तो आज हो जाए गाइस ग्लैमर वर्सेस एमटी, क्या बोलते हो गाइस? नहीं भाई रहने दो, हवा निकल जाएगी उसकी, नहीं मेरी गाइस। देख रहा गाइस लीन, देख रहा लीन, पता नहीं इधर ही से जाते हैं ना किधर से जाते हैं, हम रास्ता थोड़ा सा भुला गया गाइस। देख लो गाइस ये रास्ता है, तो अमृतसर धाम जुड़दाग लिखा हुआ था, तो उधर ही है हुरिंगदाग गाइस, जुड़दाग के आगे या पीछे होगा हुरिंगदाग। अरे ये प्यारा सा लीन गाइस, बस डर इसी का है ना कि गलती से कहीं से यार कोई जानवर ना आ जाए, तो फिर तो गलत सीन है। और इधर से भी क्या व्यू दिखता है गाइस, पूरा खाली खाली दूर दूर तक पूरा जंगल ही जंगल। देखो गाइस देखो, गोप्रो में उतना तो पता नहीं चलता है, हमको पता है, आप लोगों को पता है कि गोप्रो में उतना खास दूर का पता नहीं चलता है, क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या है क्या नहीं। तो देख सकते हो पूरा इधर बैल बकरी पूरा चर रहा है यार, उसी का डर है कि हम लोग ऐसा भगाते जाए और कोई बीच में ना आ जाए पीछे। और वो देखो गाइस हुरिंगदाग हिल धुंधला धुंधला दिख रहा है यहाँ से, ऐसा लग रहा है काफ़ी जल्दी पहुंच जाएंगे हम लोग, पिछले बार तो बहुत टाइम लगा था, ऐसा लग रहा था बहुत दूर है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है पूरा सामने, क्या बोलूँ गाइस।
पर ही गाइस, व्यू चेक करो, इधर दोनों तरफ खेत है और बीच में रोड, वो भी घुमाएदार पतरातू वाला सीन गाइस। यो पतरातू में ऐसा खेत नहीं है बस, और बाकी सब कुछ हल्का मिलता जुलता है। रोड थोड़ा छोटा है लेकिन बीम जो मारने का मज़ा है इधर, पतरातू से ज़्यादा मज़ा है इधर। अरे ठोक देंगे क्या उसको? नहीं गाइस, नहीं ठोके। और गाइस उधर दिख रहा है आपको वृंदा गेल, ये नहीं उसके पीछे वाला है। पहुंच गए हम लोग वृंदावन हिल। तो गाइस इस पहाड़ के नीचे नीचे ना एक नदी जाता है, तो हम लोग का एम है बस उस नदी में जाना। अभी पहाड़ वहाड़ नहीं चढ़ाई होगा भाई। ओ देखो ऑफ रोडर भाई, एक्सपल्स में पूरा ऑफ रोडिंग करते हुए पूरा भगाते गया है भाई। चलो देख के आते, चलो देख रहे गाइस, पूरा एकदम रेल दे रहा है। अभी तो 50-60 में चल रहा है गाइस इस रास्ते पे, और हम लोग से तो होगा नहीं स्पोर्ट्स बाइक पे। तू कुदा दिया। रास्ता तो पूरा हेवी है भाई। हाँ देख रहे यार कितना खतरनाक है इधर। इधर गाइस केकड़ा का पैर है गाइस, केकड़ा का पैर देख रहे हो, सूख गया ये, सूख गया। आप लोग कौन कौन खाया है केकड़ा बताना यार। मैंने बोला था ना छोटा सा गाइस, इधर झरना है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं लेकिन बहुत खूबसूरत है गाइस। देखो एक मिनट होल्ड करना गाइस, देखो गाइस छोटा सा एक मिनी वाटरफॉल कह सकते हैं इसे, ये तो है नदी। क्या है उधर? देख साला सांप, सांप देखो गाइस जिंदा है भाई, भाग गया पानी में चल गया गाइस। तो गाइस ये सुंदर सा जगह से हम निकल गए हैं, और आधे टाइम जो वहाँ पे मैदान देखे थे आप लोग, तो वहीं पर ही अभी हम लोग जाएंगे, थोड़ा रील वगैरह शूट करेंगे, बाइक का सिनेमैटिक्स लेंगे। आप लोग एंजॉय करिएगा। वहाँ मिनी वाटरफॉल का तो नहीं ले पाए क्योंकि दिमाग में आया नहीं, और अभी हम मेरा दिमाग में आ रहा है, उसके लिए सॉरी गाइस कि वहाँ का सिनेमैटिक्स नहीं ले पाए। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, काफ़ी रात हो गया, रात नहीं हुआ शाम हो गया, पूरा धुंधुल धुंधुल दिखना चालू हो गया। और इधर हम लोग थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह और सिनेमैटिक्स बाइक का ले रहे थे, रील बना रहे थे, तो सब कुछ हो गया और हम लोग चलेंगे। और इस व्यू के साथ भाई अब मेरा DRL मॉडिफिकेशन एक नंबर दिख रहा है गाइस, देख रहे हो मस्त दिख रहा है ना, मस्त लग रहा है तो कमेंट जरूर करना गाइस। और निकलते हैं, सब कुछ हो गया।
तो गाइज यहाँ आके काफ़ी ज़्यादा हम लोग मज़ा किए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया, एकदम पीस ऑफ प्लेस है गाइज, मतलब बहुत सही प्लेस है। आप लोग भी यार विज़िट करो, काफ़ी सुंदर जगह है ये। बस थोड़ा सा जंगली जानवर से संभल के, क्योंकि हम लोग अभी पानी के पास सांप देखे जो एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज़ था, तो क्या बोलेगा इस भाई, सबका डर है। आप लोग भी जब आइए तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा ध्यान से नीचे में देखते हुए आइए, सांप ऊप आ जाएगा तो फिर दिक्कत है। और हम लोग निकल चुके हैं अब अपने घर की ओर, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा किएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप लोगों को भी कैसे लगा ये ब्लॉग बताइएगा। और अभी इधर भगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अंधेरा होने जा रहा है ना, फिर बैल बकरी सब दिखता नहीं है। गाइस देख रहे हो, यही सीन था, यही सीन के वजह से नहीं भगाना है गाइस। अभी दिन रहता है तो थोड़ा दिख भी जाता है, और इधर पूरा धान पक चुका है गाइस, धान का खेती। तो गाइस अभी भगाना सेफ नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिख नहीं रहा हमको आगे। तो होप की यार कि आपको वीडियो ये पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, और हो सके तो आप लोगों को वीडियो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा तो कमेंट करिए, बिना कहीं मत जाइएगा। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं गाइस यहीं पर ही। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।